In the last class, I was discussing rank and nullity. Now we have done some theorem, okay? Yes. So theorem was completed. Theorem 4.2.2, I think. Yes, sir. So let us start. One definition was left there. Yes, definition 4.2.3. Definition 4.2.3, page number 117 from your textbook, Krishnamurti. Let T from U to V be a linear map or linear transformation. Then first is, if RT is finite dimensional, RT means your range space, if it is finite dimensional, the dimension of RT this is called the rank of T. This is called the rank of T and is denoted by, and it is denoted by small rt. What is called? Kya kehlati hai bhai? Rank. Ab aapne rank kya hai? Dimension of rt. Agar finite dimensional hai to jo aapka number hoga 3, 4, 5, whatever, it will called the rank of t. Theek hai? Small rt se denote karte hain. Small rt ka matlab kya ho gaya? डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, क्योंकि आपको पता है कि जो आर टी है ये आपका एक वेक्टर स्पेस है. रैंक का वर्ड आपने कहाँ सुना है? रैंक कहाँ पढ़ा जाता है? क्यों भाई? रैंक तो हम किसका निकालते हैं सर? मैट्रिक्स में. हाँ, मैट्रिक्स में रैंक निकालते हैं, है ना? मैं यहाँ पे मैपिंग में रैंक की बात कर रहा हूँ. इट मीन्स कि दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज सम एसोसिएशन विद द मैट्रिक्स आल्सो, है ना? जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर आएगा. दैट इज द टॉपिक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. ये जो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं इसको मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वहां पर यू विल सी व्हाट इज दिस रैंक. तो रैंक आपका वो टर्म इसलिए यूज हो रहा है बिकॉज इट हैज अ क्लोज एसोसिएशन विद द मैट्रिक्स आल्सो. तो व्हाट इज द रैंक? डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस. Okay. B, if null space NT, it is finite dimensional. It is finite dimensional. Then the dimension of NT is called the nullity of T. Nullity of T and is denoted by NT, small NT. Okay. You know that this NT kernel, है ना? Kernel आपने पढ़ा. Kernel is also a vector space. It is a subset of U. In fact, it is a subspace of U, है ना? So अगर subspace ऐसी कुछ dimension होगी, तो जो dimension होगी उसको हम क्या कहते हैं? Nullity. 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 So nullity is what? Dimension of this null space. Okay.
क्यों भाई? यू शर्मा? यस सर। बिलाल जफर आ गए क्या? यस सर, यस। ये है भाई बिलाल, आप लेट ज्वाइन कर। ये रैंक और नलिटी की डेफिनेशन है। रैंक इज वॉट? डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। एंड नलिटी इज वॉट? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ओके, यस सर। आगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है आपकी, रैंक नलिटी थ्योरम, वो भी अभी आगे आएगी। सो दीज आर टू डेफिनेशन विच आर लेफ्ट देयर। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम सेट। नाउ प्रॉब्लम सेट 4.2। प्रॉब्लम सेट 4.2 पेज 117 पर आपके पास ये है। कुछ प्रॉब्लम्स मैं करूंगा, कुछ आपके होम असाइनमेंट्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिटरमाइन द रेंज, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, आल्सो फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ टी। एक्चुअली रैंक आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन में, नलिटी जो है वो इसी में सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड अ नलिटी, तो मैंने मर्ज कर दिए दोनों, फाइंड अ रैंक एंड नलिटी ऑफ टी वेयर इट एग्जिस्ट। ओके, सो देयर आर सम पार्ट्स, आई विल डू सम पार्ट्स, आई विल डू हियर। ए सी डी इज योर होम असाइनमेंट। V2, V3 defined by ऐसा ऐसी प्रॉब्लम मैंने एग्जाम्पल्स में भी कर दी है ऑलरेडी। एंड बी टी फ्रॉम V2, V3 defined by टी ऑफ X1, X2 is X1, X1 plus X2, X2. सर पहले मैं V2 से V3 है, बट दो ही इमेज है सर। दो है? नहीं, V2 से V2 है वो, सॉरी गलत लिख दिया हमने, V2 से V2 है। ओके, यस सर। हाँ, V2 से V3 सेकंड में था, अब ठीक है। यहाँ तो तीन ही है। यस यस सर, यहाँ तीन। C is T from V3 to V3 defined by T of X1, X2, X3 this equal to half of X1 plus X2 plus X3 X1 minus 1/3 X2 comma X3। यहाँ ये कुछ भी कर सकते, ले सकते हैं, प्रोसीजर सबका सेम है जैसा मैंने बताया था। मैं इसे कैसे करूंगा अभी एक प्रॉब्लम करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है? ये आप अपने आप कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ आपको। टी इज V3 to V3 डिफाइंड बाई X1, X3, X2 और आई थिंक कहाँ तक है आपकी डी से फर्स्ट एंड से BEFG मुझे करने हैं, BEFG। बाकी सब आपका होम असाइनमेंट है। ए होम असाइनमेंट है, दिस इज होम असाइनमेंट, दिस इज, यू विल ट्राई। मैं आपको शेयर करूंगा बाद में होम असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है? ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स है EFG, अपने आप करोगे आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बुक से देख लीजिएगा। ओके, कैन आई लीव इट? तो आई एम टेकिंग डायरेक्ट प्रॉब्लम नंबर बी। इसी तरह के सारी प्रॉब्लम करनी है आपको, तो आई एम जस्ट टेकिंग बी हियर। बी करते हैं, बी का हमें क्या निकालना है भाई? रेंज निकालनी है, रैंक निकालनी है, कर्नल निकालना है, नलिटी निकालनी है, कर्नल भी निकालना है इसमें प्रॉब्लम में। यहाँ लिख दो डिटरमाइन द रेंज एंड कर्नल,
इसी क्वेश्चन में मैं समर्स कर दिया है, रेंज एंड कर्नल एंड रैंक एंड नलिटी, चार चीजें फाइंड करनी है आपको। तो आई एम टेकिंग वन पार्ट बी, टी वाज गिवन वी टू टू वी थ्री सच डेट टी ऑफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू एंड एक्स टू। तो व्हाट आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, कैसे रेंज निकालेंगे हम देखेंगे पहले कि रेंज इज स्पैनिंग बाय व्हाट एलिमेंट। पहले मैं एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू लिखेंगे। हाँ, तो इसको स्पैन के लिए हम ये देख लेंगे, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू। ओके यस सर, एंड हेयर एक्स वन प्लस एक्स टू एंड हेयर जीरो एक्स वन जीरो एक्स वन। अब मैं अगर एक्स वन वाले वेक्टर के साथ ले लूं तो यू हैव एक्स वन, आई एम टेकिंग साइड है ना, तो यू विल बी हैविंग वन 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 एंड जीरो। शायद तीन वेक्टर आएंगे ना, क्योंकि वी थ्री है ये, वी थ्री ट्रिपलेट से आएंगे जाहिर है, प्लस एक्स टू आई एम टेकिंग, सो यू हैव जीरो वन एंड वन। इट मीन्स व्हाट कि दिस आई कैन राइट, सो हैंस एज एस लीनियर कॉम्बिनेशन रेंज कैन बी रिटन हैंस, क्योंकि एक्स वन एक्स टू आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, तो एक्स वन एक्स टू दिस इज स्पैन बाय वन वन जीरो एंड जीरो वन वन, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इस आया रेंज की डायमेंशन जरूरी कोई तीन ही हो, क्योंकि तो सबसेट होता है ना, तो यहाँ पर आपके पास दो हैं तो दो से हुए। अब देखो क्या ये एल आई है, यस सर एल आई तो है, एल आई भी है, यू कैन सी दे आर नॉट मल्टीपल टू ईच अदर, सो रेंज पहले दो से तो स्पेंड हो गया है ना, एंड एल आई ऑल्सो, अब यू कैन सी इट इज एल आई ऑल्सो, सो इट मीन्स वॉट, इट मीन्स वॉट कि रेंज टी जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्पेंड इससे स्पेंड बाय दिस, आई कैन राइट डायरेक्ट राइट स्पेंड बाय वन वन जीरो एंड जीरो वन वन, यही रेंज सेट हो गया आपका। इसको आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, और ये एक ही बात है। तो इफ इट इज एल आई एंड स्पेंड तो व्हाट इज द डायमेंशन, इसका मतलब ये क्या हुआ, इट इज अ सबसेट ऑफ वी थ्री नॉट वी थ्री। यस सर, अब आई वांट टू फाइंड रैंक आल्सो, सो व्हाट इज द डायमेंशन, टू हो जाएगा सर, टू डायमेंशन है बिकॉज इट इज स्पैनिंग बाय टू वेक्टर्स व्हिच आर एल आई आल्सो, है ना, सिंस स्पैनिंग बाय बाय टू वेक्टर्स, टू एल आई वेक्टर्स, रीजन लिखना होगा आपको, यस सर, डायरेक्ट नहीं आंसर। तो डायमेंशन टू हो गए, तो डायमेंशन क्या थी आपकी, यही रैंक थी, सो दिस इंप्लाइज रैंक था, रैंक इज टू, क्योंकि रैंक भी पूछा है आपसे। तो दो पार्ट आपके हुआ है, हाफ डन, नाउ आई विल टॉक अबाउट कर्नल, इज इट क्लियर, यस सर। नाउ फॉर कर्नल ऑफ टी व्हाट आई विल डू, इमेज सेट को जीरो के बराबर कर देंगे, इसको हम जीरो के बराबर रख देंगे, क्योंकि आई वांट टू फाइंड द एलिमेंट्स फ्रॉम वी टू विच मैप्स टू जीरो, व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस, इमेज क्या थी, एक्स वन एक्स प्लस एक्स टू एक्स टू, सो हाउ मच इट इज कमिंग, कंपेयर करो जरा, एक्स वन इज जीरो, जीरो हो जाएगा सर, सो अल्टीमेटली एक्स वन जीरो एक्स टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्नल ऑफ टी जो था आपका या नल स्पेस जो है, इट हैज ओनली जीरो वेक्टर। यस सर, ठीक है, अगर जीरो वेक्टर है तो क्या होता है, मैप क्या होगा, थ्योरम कराई थी कल क्लास में, यस, इफ योर नल स्पेस इज अ जीरो स्पेस द मैप इज वन वन, तो ये जो मैप है ये आपका वन वन होगा डेफिनेटली, चेक कर सकते हो, हर एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी यूनिक। ठीक है, बताओ विलास अफर, कुछ डाउट आ रहा है, नहीं सर ये तो थ्योरम ही था, सी वाला पार्ट जो पहला, अब हमें इसमें एक पार्ट और निकालना था, नलिटी और निकालनी है, नलिटी क्या बताया था, व्हाट इज नलिटी, स्मॉल एन टी,
डायमेंशन डायमेंशन होगा सर, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है ना, नल स्पेस जो कि जीरो है, डायमेंशन क्या है इसकी, जीरो डायमेंशन है क्योंकि यू हैव ओनली वन वेक्टर व्हिच इज जीरो, तो जीरो का मतलब कोई इसके अंदर कोई एलआई वेक्टर ही नहीं है, एलआई वेक्टर ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी, जीरो हो गई। ओके तो अगर आप यहां देखें कि रैंक टी और प्लस नलिटी ऑफ टी कितना आया है, 2 + 0 = 2, ये किसकी डायमेंशन आ रही है, डायमेंशन ऑफ किसकी डायमेंशन है, डोमेन की v2। ये एक फॉर्मूला है आपके पास जो अभी मैं आगे प्रूव करूंगा, रैंक नलिटी थ्योरम, डायमेंशन ऑफ डोमेन इज इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी, ये रिजल्ट है आगे, विच इज इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज कॉल्ड रैंक नलिटी थ्योरम, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन में आते हैं आपके। ये बाकी प्रॉब्लम कर लोगे भैया, कुछ करो एक आध करके दिखाओ आप, बताएं कहें तो कर सकते हो, वैसे तो इसमें कोई ऐसा खास वो है नहीं, क्यों भाई सब में ऐसे ही करना है, जैसे ये देखो थर्ड वाला देखिए, ये देखिए x1 x3 x2 x2, चलो डी पार्ट कर दे रहा हूँ आपको मैं, ये वाला तो इजी कर ही लेंगे, ये डी पार्ट में भी कुछ नहीं है, डी पार्ट आपको डायरेक्ट दिख रहा है, अगर आप देखें कि इसकी नलिटी जीरो आएगी क्योंकि ये वन वन मैप है कि नहीं है, आइडेंटिटी की तरह तो ट्रीट कर रहा है एक तरीके से, नॉट आइडेंटिटी लेकिन इट लुक्स लाइक आइडेंटिटी, वन 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 है ना, आइडेंटिटी नहीं है, तो ये मैप आपका 1-1 आएगा, नलिटी 100% नलिटी 0 आएगी, दिख रहा है आपको, इसका 0 को इक्वेट करा दो क्या आएगा, x1 0 x2 यस सर, वो x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3 फिर उसमें 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3 ऐसे ही करके लिखेंगे, तो वो सर वो e1 e2 वाला जो बेसिस जो बताए थे सर उस तरह का बन जाएगा, नहीं इसको अगर आप वैसे देखें ना, जैसे ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, अगर आप पहले नलिटी की बात कर लें यहां पर, ये जो आपका डी पार्ट है देखो, डी टी इज अ मैप फ्रॉम v3 टू v3 सच दैट सॉरी इधर टी नहीं है, इधर क्या है, x1 x3 x2 x3 x2 ये था है ना, सो हियर इफ यू सी नीचे करो एक मिनट, सो हियर इसे इरेज कर दे, देखो इसका आप कर्नल निकाले पहले, सपोज आई एम फाइंडिंग व्हाट इज द कर्नल फाइल, फर्स्टली कर्नल, तो कर्नल के लिए यू विल पुट, कर्नल हम पहले निकाल सकते हैं कोई जरूरी नहीं है, तो क्या जाएगा, क्यों तो नल स्पेस में भी जीरो आ गया सर, नल स्पेस है ओनली जीरो, सो दिस इंप्लाइज दैट नलिटी भी जीरो है ना, टी इज 1-1, ये 1-1 हो गया, तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम जो अभी थ्योरम आपकी आगे आने वाली है, डायमेंशन कितनी आ जाएगी आपके पास, रैंक कितनी आ जाएगी इसकी सर, फिर वही 1 हो गया सर, ये 0 हो गया, डायमेंशन तो 0 है, डायमेंशन 0 है ना, तो नलिटी 0 हो गई, तभी मैंने आपको अभी एक रिजल्ट आगे मैं करूंगा बताया ना मैंने, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू हाउ मच, डायमेंशन ऑफ डोमेन, तो ये तो जीरो आ गया आपके पास, तो और ये 3 है तो रैंक टी क्या आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, 3 आ जाएगा है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, कैलकुलेशन बच गई आपकी, क्योंकि नलिटी निकालना आसान है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो भाई रैंक नलिटी निकालना, मैंने अभी कराई नहीं है, अभी आपको आगे कराऊंगा, लेकिन रैंक नलिटी थ्योरम से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि बाय रैंक नलिटी थ्योरम 3 + 0 = 3 n है ना, मतलब rt + 0 = 3, तो rt कितना हो गया, 3 हो जाएगा, और आप इसे चेक भी कर सकते हो, वरना रैंक के rt के लिए चेक कर लो, देखो मतलब हमने आंसर वेरीफाई कर लिया कि 3 ही आएगा डेफिनेटली, अगर ये 0 आ गया तो वो 3 आएगा डेफिनेटली है ना, चेक कर सकते हैं हम, तो मैं अगर ये x1 x3 x2 ले लूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, डायरेक्ट बता दो,
एक्स वन अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 0, यस सर 1 0 0। एक्स टू अगर ले लूं मैं, 0 0 1, सर एक्स थ्री है सर वहां पर। अरे वेक्टर तो एक्स टू लूंगा ना, और ऑर्डर में ले रहा हूँ मैं तो, 0 0 1 ले लिया। अब एक्स थ्री लिया तो कोएफिशिएंट क्या एक्स थ्री का, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अगर एक्स वन हमने लिया तो देखो क्या है, इसे ऐसे लिखेंगे ना सर, एक्स वन लेंगे तो पहले वाले में बनाएगा, प्लस 0 x2 + 0 x3 ऐसे लिखेंगे। यस सर, यहाँ क्या लिखोगे, 0 x1 + 0 x2 0 x2 + x3, यहाँ क्या लिखोगे, 0 x1 + x2 + 0 x3। बताओ क्या आएगा, तो एक्स वन का कोएफिशिएंट क्या आ गया, 1 0 0, एक्स टू का कितना आ गया, 0 0 1, ठीक लिखा है ना, एक्स थ्री का कितना आ गया, 0 1 0, ठीक है, यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर टी इज स्पेंड बाई सर एक्स थ्री का 0 0 1 होगा ना, क्योंकि सर 0 x1 0 x2 है ना, तो एक्स थ्री लेंगे तो 1 हो जाएगा सर। इसको अगर आप जोड़ेंगे क्या जाएगा, एक्स वन इसका लिया तो x1 0 + x2 0, सही तो है यार, यही लिखा है, सही लिखा है मैंने, ध्यान से देखो, सही है बिल्कुल, ये आगे एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अरे भाई इसको जो ऐड करो क्या आएगा, x1 × 1 + x2 0 + x3 0, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, सेकंड एलिमेंट, अब फिर देखिए x1 × 0 + x2 × 0 + x3 × 1, सेकंड एलिमेंट x3 है यहाँ पे, नॉट x2। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज स्पेनिंग बाय दीज थ्री वेक्टर। अब ये एलआई है, यस सर एलआई भी है, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज स्पेस इज स्पेंड बाय थ्री वेक्टर, तो ये किसके इक्वल हो गया, वी थ्री के, तो रैंक कितनी हो गई इसकी, 3। बताओ भाई, बिलाल अभी वही अटके वही लग रहा है क्वेश्चन में, नहीं सर समझ गया सर। चलो वो कहाँ है भैया, आज जयदीप सिंह नहीं आया आज क्लास में, होली खेल रहे हैं अभी तक क्या, वो क्यों भाई पीयूष? यस सर। जयदीप सिंह कहाँ है आज सर, वो होली के लिए शायद अपने होम टाउन गया है। कहाँ है होम टाउन उसका सर? वो इधर जली सर के पास ही कोई गांव वगैरह है शायद कोई। अच्छा अच्छा चलो, तो ठीक है सर, तो इस वे यू कैन फाइंड, ये समझ में आ गई बात भाई, रैंक नलिटी। ओके चलो, वन मोर प्रॉब्लम, आप बाकी पार्ट अपने आप ट्राई करेंगे, इसमें जो मैंने पार्ट छोड़े हैं आपके, ये एफ तक है, ई एफ जी, ये सारे ट्राई करेंगे, यू विल ट्राई इट, प्रोसीजर सबका सेम इस तरीके से ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 118। लेट टी इज अ मैप फ्रॉम बी टू डब्लू, बी आ लीनियर मैप एंड यू बी आ सब स्पेस ऑफ वी, टी वी से डब्लू एक लीनियर मैप है, और यू जो है इट इज अ सब स्पेस ऑफ वी, डिफाइन टी ऑफ यू इज इक्वल टू डब्लू बिलोंग्स टू डब्लू सच डेट डब्लू इज इक्वल टू टी यू फॉर यू बिलोंग्स टू यू। ये टी यू ने डिफाइन किया हुआ है, टी यू क्या है आपका, टी यू एक्चुअली क्या है, यहाँ पे रेंज सेट हो गया ना, डब्लू बिलोंग्स टू डब्लू सच डेट डब्लू इज इक्वल टू टी यू, टी यू इज वॉट, टी यू इज द
रेंज सेट क्यों भाई, किसकी डेफिनेशन है ये रेंज सेट की डेफिनेशन तो हो गई। यस सर, ये पूरा टी यू आपका डब्ल्यू के अंदर है, ऐसा है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू टी यू, तो ये रेंज सेट था। तो प्रूव दैट, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, यहाँ पे फॉर सम लिखा है, फॉर सम यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, फॉर सम यू तो हाँ, यू सर सब स्पेस है ना वी का, यानी डोमेन का वो सब स्पेस, तो जितना हाँ, सब उसका सबसेट होगा ना वो, हाँ इसलिए हाँ। तो ये पूरा पूरा यानी ये पूरा वी मैप नहीं हो रहा है, सिर्फ यू मैप हो रहा है, तो ये यू के लिए रेंज सेट, पूरे वी का रेंज सेट नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ। रेंज सेट में क्या होता है, पूरा वी मैप होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ आपके इफ यू हैव सपोज दिस इज योर वी, और वी के अंदर हेयर सपोज यू हैव सम यू, यू इसका सब स्पेस है, ये एक मैप है यहाँ पे, इट इज योर डब्लू है ना, टी इज अ मैप। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा यू जो मैप होगा, जाहिर है ये यू मैप होगा, यहाँ कहीं आएगा ये, इट विल बी सम टी यू है ना, तो टी यू सबसेट ऑफ डब्ल्यू तो होगा ही होगा, हमें प्रूफ करना है कि टी यू इज अ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। टी यू इज अ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू, ओके, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि द इमेज ऑफ अ सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस, ये कह सकते हैं ना, यस सर, इमेज ऑफ अ सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस, ये कहना चाह रहे हैं भाई। हमें ये तो मालूम ही है कि रेंज सेट तो सब स्पेस होता है, जाहिर है ये जो टी यू होगा ये रेंज सेट का भी सबसेट होगा है ना, रेंज क्योंकि है तो टी वी के अंदर ही टी यू भी। हियर दे आर सेइंग कि दिस टी यू इज आल्सो अ सब स्पेस, इज इट क्लियर, टी यू जाहिर है सबसेट डब्लू तो है ही, ये बताइए। यस सर, तो हमें क्या शो करना है, टी यू सब स्पेस है, तो टी यू सब स्पेस का मतलब वही शो करूंगा कि आई विल टेक लेट अस सपोज टू वेक्टर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू टी यू, यस सर, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू टी यू एंड अल्फा एक्स बिलोंग्स टू टी यू, ओके, यस सर, यस। अच्छा ये टी यू जो है ये नॉन एम्प्टी होगा हमेशा क्या, या जीरो हमेशा इसके अंदर आएगा, बताओ। देखो सिंस यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी, सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो जीरो है आपका, जीरो जीरो तो यू के अंदर होगा ही होगा, जीरो यू, यस है ना भाई, यू के अंदर जीरो जरूर होगा क्योंकि यू सब स्पेस है, तो जीरो तो आएगा ही आएगा, यस सर, जीरो तो आएगा। अब टी एक मैप है, तो टी अगर लीनियर मैप है, आपको मालूम है टी इज अ लीनियर मैप, तो इफ टी इज अ लीनियर मैप इट मींस व्हाट, जीरो मैप्स टू जीरो, तो अगर टी लीनियर मैप है, तो अगर ये जीरो वी है, तो यहाँ पर जो है टी जीरो वी कहाँ जाएगा, वो भी सी के अंदर आएगा, जीरो यू है ना, तो टी यू के अंदर आइडेंटिटी तो आएगी आएगी डेफिनेटली। अगर टी यू के अंदर आइडेंटिटी नहीं आती तो हम यही डिस्कार्ड कर देते कि टी यू कैन नॉट बी अ सब स्पेस, क्योंकि सब स्पेस, लेकिन टी यू के अंदर जीरो तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली, क्यों, टी लीनियर मैप है, तो जैसे ही आप जीरो, ये क्या है फॉर सम यू, तो जैसे आप जीरो लेंगे तो टी जीरो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा है ना, ये टी जीरो वी क्या होगा, इसको मैं जीरो डब्लू कह सकता हूँ, आइडेंटिटी तो यूनिक होती है, yes, तो ये जो जीरो डब्लू है दिस इज डेफिनेटली, ये कितना है, ये दिस इक्वल टू टी ऑफ जीरो वी है ना, और ये कहाँ होगा, ये बिलोंग करेगा डेफिनेटली टी यू के अंदर, सिंस टी इज अ लीनियर मैप। ये बात समझ में आई नहीं आई, यस सर, यानी कि टी यू नॉन एम्प्टी है, जीरो है ना भाई, ये कोई क्लेम कर सकता था ना कि जीरो भी आपका यहाँ चला जाए मान लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि टी मैप है आपके पास पूरे यू से, तो यू के अंदर जीरो है तो जीरो भी इसी के अंदर आएगा, बाहर नहीं जा सकता। नाउ आई विल प्रूव इट, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू टी यू, हमें शो करना है एक्स टी यू इज अ सब स्पेस, कीप इट माइंड, तो वही रिजल्ट रहेगा हमारा जो टू स्टेप टेस्ट थे। तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू टी यू है, तो
इट मीन्स वॉट एक्स प्लस वाई विल बी हाउ मच. अब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू टी यू है तो आई कैन से एक्स इज इक्वल टू सम टी यू वन एंड ये लिख सकता हूँ बताओ. क्योंकि अगर टी यू में है तो टी यू में कौन से एलिमेंट्स होंगे इमेज वाले. यू हैव इमेजेस इमेज वाले होंगे. एक्स विल बी सम टी यू वन और वाई विल बी सम टी यू टू है ना. यस. सो व्हाट अबाउट एक्स प्लस वाई. यू वन यू टू बिलोंग टू यू. एक्स प्लस वाई विल बी टू बिलोंग टू यू. हाँ. वेयर यू वन यू टू बिलोंग्स टू. ओके. नाउ व्हाट अबाउट एक्स प्लस वाई. टी यू वन प्लस टी यू टू. अब टी क्या है. टी तो लीनियर है. यू वन प्लस यू टू. सिंस टी इज लीनियर. नाउ इट मींस व्हाट. अब यू वन प्लस यू टू कहाँ जाएगा. ये भी यू में ही जाएगा सर. क्योंकि यू क्या है आपका सब स्पेस है. सब स्पेस. यू कैन राइट बट U1 plus U2 belongs to U as U is a subspace. Yes, sir. It means what? Ke X plus Y is some T U1 plus U2 where U1 plus U2 belongs to U. So can I say X plus Y belongs to TU? Na? But ye aapke paas kahan chala gaya? U plus U2, it will be some U3 maan lo. So X plus Y yes. is equal to TU3 aa gaya. तो अगर x plus y सम t u 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ. x plus y कहाँ जाएगा आपका. t u के अंदर. ये तो डेफिनेशन है t u की. भाई x plus y is t of u 1 plus u 2. तो ये कहाँ चला गया. t of u में. क्योंकि ये आपके पास फिर u में जा रहा है by the definition. also similarly alpha x will be alpha of t u1. T u1. It will yes, become sir. T alpha u1. Alpha because u1. T is linear. Because yes, T is linear. Okay. Now, alpha u1 is again belongs to u. U, yes, sir. So it belongs to u. U is a subspace. U, yes, sir. Yes, sir. इट मीन्स वॉट कि अल्फा एक्स जो है वो कहाँ जा रहा है. वेयर इट इज गोइंग टू. टी यू में जा रहा है ना. क्योंकि ये जो आपके यू के चला गया ना ये यू में होगा पूरा. तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू टी यू. अल्फा एक्स बिलोंग्स टू टी यू. हेंस इसको अगर हम वन टू कर दें फ्रॉम वन एंड टू TU is a subspace of W. Okay. So image of any subspace is a subspace under a linear map. समझ में बात नहीं भाई. बताओ क्यों शर्मा. Yes sir. Yes sir. Yes. मोहम्मद मुस्लिम. हाय मोहम्मद मुस्लिम. है नहीं है यहाँ पे. है ही नहीं मुझे लग रहा. बस मोबाइल ऑन करके बैठ गए कहीं जाके. शायद एब्सेंट होंगे मुस्लिम आज. तुम कहाँ हो. इन्हें एब्सेंट लगाया जाएगा आज. चलिए सो नेक्स्ट वी हैव. तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई सब लोगों के जो लोग समझ रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन वी हैव 4.3 रैंक एंड नलिटी. द इंपॉर्टेंट सेक्शन रैंक एंड नलिटी 4.3 है ना. यहां पर वी विल डिस्कस ऑल द रिजल्ट्स ऑन रैंक एंड नलिटी एंड आई विल प्रूव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड रैंक नलिटी थ्योरम. जो मैंने अभी आपको बता दी पीछे प्रॉब्लम में कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस. ठीक है. ये हम प्रूव करेंगे स्टार्ट करेंगे कल. क्योंकि आज टाइम भी आपका कम है. 3 मिनट्स आर रिमेनिंग एंड स्टूडेंट्स आर आल्सो वेरी लेस.
ओके यस सर, ठीक है, चलो फिर कल बात होती है, इसे मैं अप्रूव कर दूंगा आपके आज के लेक्चर को। प्रॉब्लम जो मैंने छोड़ दी, ये सारी प्रॉब्लम्स करिए और अपने होम असाइनमेंट सबमिट करिए आप लोग, अब कॉपी बना के, ठीक। जो लोग अलीगढ़ में अगर हैं वो अपने नोट्स बनाए बहुत अच्छे से और मुझे नोट्स की कॉपी यहाँ लेके दे के आए चैम्बर में आके मेरे, बाकी लोग अपलोड करेंगे उसमें, ठीक है। यस सर, हाँ चलिए सब लोग नोट्स बनाए स्टार्ट कर दें अपने आप। आपके उसके मार्क्स हैं होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के जो मैं दे रहा हूँ सारे, इट हैज सम मार्क्स, कोई कॉपी नहीं करेगा, अपने आप करने हैं सारे क्वेश्चंस। कोई डाउट आएगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आपस में डिस्कस करिए, लेकिन एकदम ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिएगा किसी का भी। लास्ट टाइम मैंने कई लोगों की कॉपी पकड़ ली थी और जीरो कर दिए थे, जिसने कराया था उसके भी, जिसने किए थे उसके भी, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर, बाय।